हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कूलर के रोटरी स्विच के बारे में। ये कैसे काम करता है और कैसे इसके अंदर कनेक्शन होते हैं थ्री स्टेप मोटर के, जिसे हम मल्टी वायर मोटर बोलते हैं, जिसके जिसके अंदर चार वायर आते हैं और एक मोटर आती है जिसके अंदर दो वायर आते हैं, जो सिंगल स्पीड रहती है उसको हम रेगुलेटर से कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये रोटरी स्विच से कम ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर टैपिंग निकली होती है, ऑलरेडी चार वायर इसके अंदर से मोटर के अंदर से निकले हुए होते हैं। तो हम इस रोटरी स्विच के अंदर इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, इस मोटर के जो चार वायर की मोटर है जिसको थ्री स्टेप मोटर बोलते हैं, और दो वायर वाली मोटर जो सिंगल स्टेप मोटर आती है उसके कनेक्शन भी इसके अंदर कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारे पास में एक थ्री स्टेप मोटर जिसके चार वायर हैं और ये है कूलर का रोटरी स्विच। तो इसके अंदर हमें चार टर्मिनल मिलते हैं, देखिए दो टर्मिनल ये है और दो ये टर्मिनल है। तो एक टर्मिनल है इसका जो लाइन का है, जहाँ से लाइन जो फेस लाइन है वो इसके अंदर इनपुट होगी, और जो तीन टर्मिनल है वो इसके आउटपुट लाइन के है, मतलब जो फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड का वायर लगेगा इसके अंदर। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को, कैसे हम इसके अंदर वायर लगाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन साथ में ऑन करें, जिससे जब भी मैं जो वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे होंगे, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जो एक टर्मिनल है इसके अंदर ये लिखा हुआ है लाइन। लाइन मतलब इसकी जो इनपुट लाइन है, जहाँ से हम मेन फेस देंगे वो है इसका लाइन का है, ये देखिए ये लाइन लिखा हुआ है। और ये जो टर्मिनल है यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ, मतलब ये फर्स्ट स्पीड का है, जहाँ अपन कूलर की जो मोटर की फर्स्ट स्पीड होगी वो लगाएंगे। दूसरा ये टर्मिनल है, इसके अंदर सेकंड स्पीड का लिखा हुआ है, ये सेकंड स्पीड लिखी हुई, यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए हैं, मतलब सेकंड स्पीड का टर्मिनल है। और जो ये थर्ड है, इसके अंदर थर्ड नंबर लिखा हुआ है, जिससे तीन नंबर लिखा हुआ है, तो ये इसके अंदर मोटर की जो स्लो स्पीड होगी वो लगेगा, वो वायर लगेगा। तो हम चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, ये है मोटर, ये मोटर के चार वायर हैं और इसके अंदर कौन से वायर क्या है तो इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि हम मोटर के इन चारों वायर में से कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा वायर न्यूट्रल है या कौन सा फर्स्ट स्पीड का या सेकंड स्पीड या थर्ड स्पीड का है। ये पता करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, लिंक दिया हुआ वहाँ से वीडियो का, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस कनेक्शन करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये ब्लू वायर है ये हमारा न्यूट्रल वायर है, और जो ब्लैक वायर है ये फर्स्ट स्पीड का है, मतलब एक नंबर वायर है। जो व्हाइट वायर है ये दो नंबर, मतलब मीडियम स्पीड का वायर है, और जो रेड वायर है ये थर्ड नंबर, मतलब स्लो स्पीड का वायर है। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं स्लो स्पीड का वायर, जो हमारे तीन नंबर का टर्मिनल है उसके अंदर। तो देखिए, ये तीन नंबर का टर्मिनल है, ये इसके अंदर मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसके, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कनेक्शन कर दिया है इसके। अब मैं मीडियम का, जो दो नंबर का टर्मिनल है उसके अंदर कनेक्शन कर देता हूँ मीडियम वाला वायर, ये मीडियम वायर। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्शन करना है, वायर को यहाँ बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब स्पार्किंग होगी तो ये टर्मिनल गर्म होकर यहाँ से जल जाएगा। तो आपको वायर को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है, प्रॉपर टाइट करना है। और अगर आपके पास में आयरन है तो यहाँ पर आप टाका लगा सकते हैं, जिससे और बढ़िया इसको पकड़ मिल जाएगी और ये लूज नहीं रहेगा बिल्कुल। और हम फर्स्ट स्पीड का वायर लगा रहा हूँ इसके अंदर में, तो देखिए मैंने ये फर्स्ट स्पीड का वायर लगा दिया है, ये फर्स्ट स्पीड का लगा दिया। अब मैं इसके अंदर जो मेन लाइन का वायर है ये लगा रहा हूँ, मेन लाइन वायर, ये लाइन वाला टर्मिनल है, इसके अंदर मैं मेन लाइन लगा रहा हूँ, ये देखिए मैंने चारों वायर लगा दिए, ये मेन हो गया, ये फर्स्ट स्पीड, ये सेकंड और ये थर्ड, थर्ड स्पीड हो गई, और ये रही मोटर। तो दोस्तों, इसका ये चल रही है, बंद है, इसका आरपीएम चेक करने के लिए मैंने यह कागज लगाया है, तो यह कागज से आपको पता चल जाएगा कि मोटर फास्ट चल रही है स्लो चल रही है। और ये है मेरे पास में एक सप्लाई बोर्ड, देखिए, तो ये मोटर का जो ब्लू वायर है ये मैं डायरेक्ट इसके अंदर लगा देता हूँ, ये मैं थोड़ा वायर लगा के लगा देता हूँ, तो ये इसके न्यूट्रल के अंदर मैं वायर लगा देता हूँ।
और मोटर को हम चला के देखेंगे कि रोटरी स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, कैसे मोटर चलती है। तो ये मैंने न्यूट्रल वायर लगा दिया है। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर सप्लाई ऑन कर दी है और अभी ये बंद कंडीशन में है, तो हम इसको ऑन करेंगे। कौन सी फर्स्ट स्पीड है ये कि चल रही है, तो क्या इसके अंदर सप्लाई ऑन है, तो मैं इसको शॉक होक नहीं लगे इसके लिए मैं इसको पिलार से पकड़ रहा हूँ यहाँ से पीछे से। ये देखिए मैं पिलार से पकड़ रहा हूँ यहाँ से और मैं इसको स्विच को घुमाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये तो जो ये मैंने फर्स्ट घुमाया है इसकी तरफ देखो, ब्लैक वायर की तरफ इसका मुंह है, मतलब ये फर्स्ट स्पीड चल रहा है, मतलब स्पीड अपनी फुल स्पीड पे चल रही है मोटर अभी। और जैसे ही मैं इसको इस पे करता हूँ, देखिए ये वाइट वायर की तरफ है, देखिए वाइट वायर की तरफ है इसका मुंह, यहाँ ये इसका ये एरो लग रहा है, यहाँ इसका ये एरो लग रहा है और ये बिल्कुल वाइट वायर की तरफ है, तो मतलब ये अभी मीडियम पे चल रही है सेकंड स्पीड पे। जैसे ही हम इसको थर्ड स्पीड पे लेंगे, देखिए मोटर थोड़ी स्लो चल रही है और ये अभी रेड वायर की तरफ है, और जैसे ही वापस इसको घुमाएंगे तो ये मोटर बंद कंडीशन में है अभी। और ये देखिए फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड इसकी, ये सेकंड स्पीड है देखिए, और ये लास्ट थर्ड स्पीड है। तो आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं अपने घर पे। ये कूलर का रोटर स्विच है, इसके आप कनेक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो